गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी आज वैष्णो देवी की तैयारी, तो जोर से बोलिए जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है, तो फ्रेंड मैंने नाश्ते में बनाए हैं बर्गर और साथ में बना रही हूँ चावल, और ये बनाई है मैंने हरड़ की दाल। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। उठ चुकी हूँ, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और अभी फिलहाल मैं अपनी ट्रेनर से ये वाला बैग लेके आई हूँ, वेस्ट बैग, क्योंकि मुझे बैग खरीदना था। मतलब ऐसे नीड नहीं पड़ती कभी भी, बट वैष्णो देवी के लिए चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा ले जा, फिर हम दोनों एक साथ इकट्ठे खरीद लेंगे। तो मैंने ले लिया उनसे। अब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये नहीं पता, अब तो ले लिया। ये बताओ, आपने तो अपना बैग कर लिया, मैं किस बैग में रखूंगी? ब्लैक वाला। मैं इतना बड़ा बैग लेके जा रही, मैं अपना वो बैग ले जाती हूँ, एरोबिक्स वाला, रेड वाला छोटा सा। फिर क्या? फिर सामान कुछ नहीं आना, मेकअप किट नहीं चाहिए मेरे बैग में, नहीं आई मेकअप किट, मत लेके जाओ, एक काजल, एक वो लिपस्टिक, बस। पोटा पाटा मार के हाथ धोने ने साबुन ना चाहिए, नहाने शैम्पू थे, बॉडी वॉश नहीं चाहिए। तो पूरी मेकअप किट रखेंगे दो चीजों के लिए? एक किट रख लेंगे, ये पांच छह सामान लिए बस मैंने, ये फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, क्रीम है, कंघा है। चलो ठीक है, प्रथम वाला डायलॉग। गाइस, पैकिंग चल रही है इधर, स्वीट मॉम वगैरह। ये मेरी जीन्स धुली है? नहीं, ये मेरी तो नहीं लग रही, ये है मेरी। एक तो नहीं, फुली ऑटोमेटिक में ये देखो, ये हो जाता है सारा वायर, ब्लैक जीन्स पे बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। तो फ्रेंड ये देखिए ठाली, लोग पैकिंग करो। खुशहाल पैकिंग मोबाइलों में लगा रहेगा। ये बेचारी मेरी छोरी ममोली नोनी, देख बेचारी काम में लगी हुई है, देखो ये सारे बैठे हुए हैं ठाली। ये मेरा भतीजा और ये इसकी गेम, कुछ और नहीं आता। मम्मी मेरे लिए खाने में क्या है? क्या बर्गर है, दाल चावल है। दाल चावल खाऊंगी। इसे तो बिना नहाए सूट पहन लिया। दे भाई, पैकिंग हो गई? तो नहीं, कहाँ गई है? मैंने कहा था शायद नहीं है। पापा आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी, इसका मतलब मेरा दिमाग खराब। पैकिंग कहाँ है आपकी? इसका मतलब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। पैकिंग कहाँ है? पहले मैं क्या कह रहा हूँ उसका रिप्लाई दे। और वो लेडी फिंगर चिप्स इतनी बनी रखी है, कौन खाएगा उसको? कौन सी लेडी फिंगर चिप्स? अरे वो आलू वाली होती नहीं है लेडी फिंगर चिप्स? क्या बनी हुई मम्मी, क्या बना हुआ है? अरे जिसको फ्रेंच फ्राइज भी बोलते हैं और वो चिप्स बोलते हैं, आलू वाली लंबी लंबी, ओके, लेडी फिंगर चिप्स। गाइस ये पैकिंग हो चुकी है स्वीट मॉम की, ये मेरा बैग रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड मेरी सिसरिया ला रही है खाना, और ये देखिए मैं ले जा रही हूँ डिस्पोजल। अगर मैं डिस्पोजल ना लेके जाऊँ तो उनका खाना ले जाना हो जाएगा बेकार, बेचारे कैसे खाएंगे सब। दीक्षा संभाल के रख इनको, इतनी बड़ी जायदाद ले जा रही है तेरी माँ, मतलब ये तो ना लॉकर से निकाल के लाई है, कहीं कोई चोरी ना कर ले। ये सबसे जरूरी चीज है, ये जरूरी चीज है, तुम्हें क्या पता? अरे इससे बड़ी जायदाद तो कोई लेके नहीं जा रहा। देखा, ये ना होना तो पता नहीं क्या हो जाए। ये जायदाद होनी भी तो चाहिए, हर किसी के पास है भी नहीं। इतना बहादुरी का काम है, खाना बनाना तो एक मिनट का काम है, सबसे बड़ा काम तो ये डिस्पोजेबल लेके जाना। सही में बस। बहुरान जी तुम क्या ले जा रही हो ये बताओ? और हाँ, एक मिनट मैं ये दिखाऊं, कल राधिका जो लेके आई थी फ्रेंड्स, राधी मेरे लिए W की कुर्ती लेके आई है। बस मुझे ये दुख है, राधिका मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई है, और मेरे को बड़ी अच्छी लगी कुर्ती। और प्लस भाई के लिए लेके आई है जारा का परफ्यूम, प्लस डोनट की ट्रे लेके आई थी, और एक चीज और लेके आई थी, बहुत सारा खर्चा किया उसने। कुछ भी नहीं करा मेरे लिए, तो कोई लाई नहीं। दो नट का थे, छह नट थे उसमें। फ्रेंड्स मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई है राधिका, पहन के देखूंगी, वैसे तो मुझे एग्जैक्टली मेरे साइज की लग रही है। मैंने अब राधिका को बोल दिया कि मेरे को भी गिफ्ट चाहिए। ये देखिए ये मेरी डिस्पो, ओ ये एक्स्ट्रा में ये क्यों लिया है खाने का सामान? ये स्पून है, ये ग्लास है, ये थर्माकोल की गड्ढे वाली प्लेटें हैं, ये नैपकिन है, ये सब कुछ है। और ये पियर वाले लाए थे जो 50 रुपए का गिफ्ट, वो है ये खुद ही ले जा रहे हैं खाने, ये खुद ही ले जा रहे हैं खाने के लिए। भाभी ने बैग अपनी गोदी में रख लिया था। भाज तो लिए लेके, और कितना लेके भाजोगे इसको? 2 महीने हो गए।
बाजते ही रहोगे लेके। दे भाई दे, बस वीडियोस में ना दिखा रहा है मैं कितना इनोसेंट हूँ, अब रियलिटी में तो हम बताएंगे ना। तारीफें आए इसकी। हाँ हाँ, हमारा देव भाई बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, कुछ बोलता ही नहीं है। ये उससे पूछो। अरे हमसे पूछ लो, वो फिर दो महीने की नहीं आई है, हम 24 साल हो गए। और इनसे पूछ लो, रह रही है। हाँ, उस बेचारी को क्या इतना खौफ है, मुझे इतना खौफ है कि ये उठता है ना तो मेरी नींद सबसे पहले खुल जाती है, इतना खौफ है मुझे इससे कि ये उठा है, अभी पक्का मुझे उठाएगा तो मैं पहले ही उठ जाती हूँ। भाई तो कुंभकर्ण के टाइम में क्यों नहीं हुआ, रावण को इसको इतनी वो ढोल बजाने पड़े, सब कुछ करना पड़ा, तेरे को कुंभकर्ण बेड फोल्ड करना है, सफाई करवानी है, बेचारा ये सोए अपना 2-4 घंटा और सोता। अरे रात को तो सो जाता है, 12 बजे खराटे आ जाते हैं इसके। अच्छा तूने सुने, अब वीडियो बनाती थी खराट होगी, फिर मैं तो वायरल करती थी, फिर मुझे बोलता। मैं पर बंदा 1000 रुपए ले रही हूँ, तेरे पास ज्यादा रखूंगी। तो सही है ना, 2000 लो, ज्यादा रखो, 10000 लो, ज्यादा रखो, प्रॉफिट ही मिल रहा है मुझे, क्या दिक्कत है। बता लेगी 1000 रुपए होगी तेरे पे, इन सब बालक नंदों को खिलाने पिलाने की। अच्छा। ये हमें ना खिलाए पिलाए भाग ले गए तो पैसे लेके। कभी तेरी जेब में हो पॉकेट, मेरी छोरी का मुझे पीनी है कोल्ड ड्रिंक, तू सरक ले आगे आगे। अरे बाप बता, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है, इतना बढ़िया बैंक, तुम्हें नहीं दूंगी पैसा भी। चलो ठीक है, दुनिया भरोसा करती है मेरे पे, और ये भाइयों की और ये अपनी बेगम साहिबा की। अरे बेगम साहिबा को क्या कह के हमें खाना पीना खिला वो खाना पड़ेगा, ये तो ना खिलाए हमें, कोई ना मना करेंगे मैं। हाँ बस बस, बेगम साहिबा को हम हाथ, मैं हाथ पकड़ के अपने साथ रखूंगा। चल के आगे भैया, हम तो इनके पीछे पीछे चल लेंगे, एक ही तो लगता नहीं, हम तो पीछे पीछे चल लेंगे। भाई मैंने तो बेगम साहिबा का हाथ ही नहीं छोड़ना, तभी मेरे को खाना पीना मिलेगा। मैं तो पीछे पीछे भाग रहा हूँ, जो तुम खाने को लोगे वही मुझे भी मिल जाएगा, कोई नहीं चिंता। अब बेगम साहिबा हीरा है, अब आज की डेट में, अब 3-4 दिन की ट्रिप में। चलो अरे मैं सोच रहा हूँ दाल चावल खाई लो, तो खा लो, फिर सोचेंगे। पापड़ सेक दूँ? नहीं नहीं रहने दे। क्यों पापड़ सेक दी, तू रखी है पापड़? अरे नहीं रहने दे, तुझे तकलीफ होगी। ओहो, ये तो मेरी सरप्राइज हो गया, मेरी तकलीफ तुमने कम से सोच ली मेरे बारे में। अरे मतलब मुझे पापड़ मेरे खुद सेकने पड़ेंगे, असलियत तो मैं कहना नहीं चाहता था, पर तुझे सुनने में मजा आ रहा था। मैं वही सोची, मेरी तकलीफ का तुम कब से सोचने लग गए कि मुझे तकलीफ होगी। दीक्षा ये तो एक जोकी बन गया। जोकी तो है। दे दाल चावल। दे भाई अपना फ्यूचर देख ले। दाल चावल नहीं दे दूं। कह रहे नहीं, मैं तो केयर रखूंगा। मम्मी सुना नहीं तुमने भाई के एक्सप्रेशन? रखनी पड़ेगी हालात, देख के नहीं रखेगा ना तो बन जाएंगे हालात। सो गाइस अभी फिलहाल सब सो रहे हैं, टाइम हो रहा है 2:30, फटाफट से एडिटिंग भी करनी है मुझे। तो कोई है मेरी हेल्प के लिए? सारे ही सोते रहोगे? बहू रानी सो रही है। कोई हेल्प नहीं है, तेरी शक्ल देखनी थी मैंने। मम्मी क्या काम है आपको, आपकी परांठे आपकी बड़ी सिसरी बना रही है। हाँ। सब्जियां सारी आपकी छोटी सिसरी बना रही है। सिसरियां हो तो ऐसी, मेरी जैसी सिसरियां ना हो, आप जैसी सिसरियां हो आपकी, जैसी बिल्कुल ही बेकार है। हाँ मेरी तो भाग जाती है, आती नहीं है, तेरी बुलाने भी नहीं आती मेरी तो। मेरी बढ़िया भैया, एक पैर पे खड़ी रहती है, ये कहती तू रहने दे, तू छोटी है, हम कर लेंगे, हर चीज में तू छोटी है। ये बिना नहाई जाएगी? नहीं दीक्षा नहाएंगी, दीक्षा जी को 5 बजे निकलना है ना, तो दीक्षा जी आराम से 4:30 बजे माता रानी के जाएगी, वहीं फ्रेश बिल्कुल फ्रेश नहा करके दर्शन करेगी। हमारे तरफ पागल है जो नहाना के रोज बासी हो जाए। हाँ ये अकलमंद लड़की है, ये नहाएगी अभी, पसरी पड़ी है ये खाट में। दीक्षा हिले हिली करे, तुम्हारी बहन कुंभकर्ण है, सोगरी होगी। मैंने कहा नहीं, मेरी बहन 2:30 बजे रोटी कहती बनाऊंगी। देख ली तेरा भांजा भांजी कैसे बोलते हैं, अच्छा। मैं इसलिए कॉल कर रही थी कि ना निक्कू तेरे यहाँ आ जाएगा, वहीं से कैब करके तुम्हें ले जाएगा।
क्योंकि क्या है एक कैब में, सुन एक कैब में तो ना वैसे भी ज्यादा लोग नहीं आएंगे, हम यहाँ से बड़ी कर लेंगे, तुम छोटी करा देगा निक्कू, तुम्हें वहीं के वहीं ले जाएगा निक्कू, क्योंकि एक छोटी और एक बड़ी दो करनी पड़ेगी क्योंकि एक मेंबर एक्स्ट्रा है। तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें निक्कू वहां से ले जाएगा, दोनों मियां बीवी को। चार दस हो गए, उठ जाओ, जितने पोटे पुट्टे मारने मार लो, चल रहे ट्रेन का टाइम हो गया। चल भाई देख ही वॉशरूम है, कभी सारे एक साथ भी जा सकते हैं, एक एक करके जाओ। तीन वॉशरूम है, एक सबसे नीचे ये और एक ऊपर। हाँ ये भी है वैसे तो, शक्ल ही देखे जाओगे, पोटे पुट्टे मारो। चल कौन है इन्हों में चढ़ाओ हमें, खुल खुल। इंजीनियर्स में कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं होता? चाय 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 बोलो, पीनी है क्या? दीक्षा गोयल खुशहाल चाय बना लो। चाय 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 तू भी क्या चीज है, एक बार पीऊं तुझे लगता क्यों मुझे, बार बार पीऊं तुझे चाय 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 चाय। चाय पियोगे? पानी दे दे फिलहाल, और मैंने चूतड़ उठाई तो दे अभी, चाय के लिए उसकी जरूरत नहीं होती। तूने तो कहा। तो फ्रेंड चलिए फटाफट से हो गई है तैयारी, चाय 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 तू भी क्या चीज है, एक बार पीऊं तुझे लगता क्यों मुझे।